सेंसरा गुराया में। नाजरीन आपको बताना चाहते हैं सेंसरा गांव जो है ये गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा गांव। इसी तरह के जो कि सेंसरा नई आबादी में ये जो अली सुपर स्टोर वाले हैं उन्होंने यहां पर एक बहुत ही नीच हरकत का काम शुरू किया हुआ था इस गोदाम के अंदर, जो कि DFC साहब ने देर रात अपनी टीम के हमरा जैसे कि सुप्रिटेंडेंट मियां अब्दुल शकूर और उनके साथ AFC आफज मोहम्मद अमजद मनीर साहब और उनके साथ फूड इंस्पेक्टर जो कि DFC के फूड इंस्पेक्टर हैं राणा अलारका और उनकी पूरी टीम ने गई रात यहां पे इंफॉर्मेशन मिलते ही फौरन इस गोदाम के ऊपर छापा मारा और इस गोदाम को सील कर दिया और जो कि यहां पे मशीनरी इस्तेमाल होती थी वो भी यहाँ पर सील कर दी गई है। अली सुपर स्टोर जो है वो एक बहुत बड़ा सेंसरा में सुपर स्टोर है जिसके ऊपर घरेलू अशिया तमाम वहाँ पे मिलती हैं। उस स्टोर को भी सील कर वो भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग इलाका के मुअज्जज सियासी समाजी कारकुन चौधरी तलत साहब 24 घंटे ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, कार हर कार दे विच इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और जरूरत है। अगर हुकूमत ने आटा सस्ता किया है तो और इस तरह जो लोग गलत काम करते हैं उन्होंने खिलाफ की होना चाहिए, इन्हों सजा मिलनी चाहिए है कि वो तो अगे दसिया कि अगर गलत चीज़ खावे तो ना बच्चों के पेट खराब हो जाएंगे। ये लोग दिहाड़ी करके 1000 रुपया लैके आते हैं तो 1000 रुपये का घी लैके आएंगे आटा लैके आएंगे होर घर दीयां चीज़ां जरूरतियां करेंगे जो बच्चों को दवाई खवाएंगे लिया के जी बिल्कुल। अगर कोई खालस चीज़ मिलेगी तो थोड़ी भी खा लेंगे तो वह असर होएगा बच्चों का मामला माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल जी। ये थे हमारे साथ चौधरी तलत साहब जो कि सेंसरा के सियासी समाजी कारकुन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका तल्लक है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के जो गलत काम करते हैं जिसके साथ आटे की जो कैपेसिटी होती है ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होने वाली चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसमें ये देखिएगा कि मैदा जो है वो तो उसकी तो रोटी बन नहीं सकती, मैदा जो है और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस आटे में सरकारी आटे में ये मिलावट करके आगे दुकानदारों को बेवकूफ़ बनाते थे, दुकानदार जो है वो जो आवाम है गरीब उसको बेवकूफ़ बनाते थे। सर यहाँ गवर्नमेंट का आटा था जो चोखरनुमा था उसमें मैदा डाल के उसको 15 किलो की थैली बनाकर 1650-1700 की बेच रहे हैं, तो ये तो गलत है ना सरासर। ये सर हाथों से ही आठ तोड़ों को खोलना, उसमें एक तोड़ा बड़ा मैदे वाला डालना, हाथों से मिक्स करके उसको हाथों से ही थैलों में भराई करना और उसको सिलाई करके सुपर स्टोर गोदाम पर ले जाना या बड़ी बड़ी दुकानों पर ले जाना। सेवा इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि हर बंदा जो है आवाज़ उठा रहा है लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं। हमारी आवाम अगर इसके साथ देगी आवाम